हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनबॉक्सिंग पिटारा। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना बंगला साहिब का व्लॉग, यानी कि मैंने आप सभी के लिए शूट किया है बंगला साहिब में घूमने गई थी। तो मैंने ट्रैवलिंग का व्लॉग आज से पहले कभी शूट नहीं किया है, बट फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया है। तो आप सभी मुझे बताइएगा कि कैसा लगे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम कहाँ गए। मीन्स मैं सुबह 10 बजे कम से कम सुबह 10 निकल चुकी थी और हम बहुत सारी जगह घूम के आए थे, लाइक बंगला साहिब, बिरला मंदिर, बुद्ध विहार एंड वेस्ट टू वंडर। चार जगह हम टोटल घूम के आए थे, लेकिन जो बंगला साहिब था वहाँ पे मैं मतलब थर्ड बार जा रही हूँ, तीसरी बार, और मैं तीसरी बार इस ब्लॉग को शूट कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं जा चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो बंगला साहिब पहुँचते पहुँचते कम से कम एक बज चुका था, उससे पहले हम बिरला मंदिर और बुद्ध विहार गए थे। तो अगर आपको उसका भी व्लॉग चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बाय द वे मैं डालूंगी ज़रूर। तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा उसके लिए। अभी हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं इस टाइम पे। पहले मेट्रो से जाना पड़ता है, फिर एंड देन थोड़ा सा बस से हमें ट्रैवल करके जाना पड़ता है, या फिर आप जो ऑटो होती है उससे भी जा सकते हैं। तो ये बंगला साहिब का फ्रंट गेट है पूरा का पूरा, जो कि इतना प्यारा है मैं बता नहीं सकती। जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, बहुत अच्छा है। एंड मैं आई स्वेयर इतना अच्छा मुझसे शूट नहीं हो पाया है, मैं खुद भी बता रही हूँ, जितना कि ये हम खुद अपनी आँखों से देखते हैं उससे प्यारा हम कैमरे में कभी भी शूट नहीं कर सकते। क्योंकि ये चीज़ तो बिल्कुल ट्रू है कि हम अपनी आँखों से जो चीज़ देख रहे हैं वो हम अपने कैमरे में कभी भी शूट नहीं कर सकते। बाय द वे, अगर यहाँ की फैसिलिटीज़ की बात करें तो फैसिलिटीज़ जो है यहाँ की बहुत अच्छी है। जगह जगह पर जो पानी है वहाँ अवेलेबल है, एंड फैंस जो है वो बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। अंदर जो पूरा एसी लगा हुआ है जिससे कि गर्मियों में दिक्कत नहीं होती, जैसे कि आप सभी देख रहे हैं। पानी की सुविधा है यहाँ पर, और इससे हम एंट्री करते हैं यहाँ से। इसके बाद जस्ट आपका आता है जहाँ पे हम अपने जो जूते वगैरह होते हैं, चप्पल वगैरह होते हैं, सैंडल्स होते हैं, उनको हम लॉकर में रख सकते हैं। यानी कि अंदर ये सब पहन के जाने नहीं दिया जाता, तो इसलिए हमें लॉकर जो है वो मिलता है, वो भी फ्री है, कोई हमें उसके लिए प्राइस जो है वो नहीं देना होता। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ से देख रहे हैं, अभी हम यहाँ से अंदर की तरफ एंटर करेंगे और उसके बाद हमें जो लेफ़्ट हैंड साइड है उस साइड ये आता है, एंड राइट हैंड साइड पे हमें ऐसा कुछ दिखता है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो बकेट्स बनी हुई हैं इनमें बहुत अच्छे अच्छे जो बांधते हैं सिर पे, यानी कि जो जैसे हम जितने पंजाबी को देखते हैं तो वो अपने सिर पे पग लिए हुए होते हैं, या फिर जो वुमेंस होती हैं वो मोस्टली अपने सिर पे दुपट्टा रखती हैं। तो वहाँ का कुछ ऐसा रूल है, रेगुलेशन कुछ उनकी ऐसी है, रूल्स हैं, नियम है। मैंने पूछा था उनसे कि ऐसा क्यों करते, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे मतलब सब कुछ साफ़ सुथरा है, स्वच्छ है, इस वजह से सिर पे जो है कुछ ना कुछ कपड़ा ढका जाता है, चाहे वो लड़की हो या लड़का, दोनों को ही इस नियम को मानना होता है। कभी भी वो सिर पे से दुपट्टा या फिर कपड़े को हटने नहीं देते, अगर कभी भी हट जाता है तो वो बिल्कुल तभी के तभी हमें बोल देते हैं कि इसको अपने सिर पे रखो। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि वहाँ पर अभी भी इन सारी चीज़ों को माना जाता है। और हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ इसीलिए भी प्रॉपरली शूट नहीं हो पाया, बिकॉज़ वहाँ पे कैमरा ले जाने के लिए मना किया था। फ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, ये सब ले जाने के लिए वहाँ पे अलाउड नहीं करते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कैमरे से शूट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मानना है कि हम यहाँ पे पूजा करने के लिए आए हैं। तो इसलिए मैं पूरा शूट नहीं कर पाई, और आप सभी देख सकते हैं अंदर से कितना प्यारा है ये। और पूरा बंगला साहिब घूमने के बाद यहाँ पे एक चीज़ स्पेशल है कि यहाँ पे लंगर जो है बहुत टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत साफ़ सुथरा होता है। तो वो भी आप सभी ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप सभी यहाँ पे जा रहे हैं तो। और अभी आप सभी ने सुना होगा यहाँ पे जो पंजाबी लैंग्वेज है उसमें यहाँ पे जो पंडित होते हैं, जिसके हमारे मंदिर में वैसे ही पंजाबियों में भी होते हैं, तो वहाँ पे वो बैठ के जैसे हमारे यहाँ पे तो गीता का पाठ करते हैं, उनके वहाँ पे एक स्टोरी है कुछ, मुझे उसका नाम नहीं पता, वो वहाँ पे पूरी पूरी सुनाई जाती है। तो जिसको पंजाबी अच्छे से आती है वो आराम से इसको समझ लेता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना प्यारा ये तालाब पूरा का पूरा है, कुंड टाइप है एक,
जैसे कि पूरा का पूरा मतलब रिवर टाइप होता है ना, लेक टाइप वैसा है ये देखने में, और बहुत सुंदर है। इसके अंदर छोटी छोटी फिश हैं, बड़ी भी हैं, और ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे पहले के टाइम पे जो है नहाया जाया करता था, यानी कि नहाते थे यहाँ पे। लेकिन अब जो ऐसे जनरेशन्स हो गई हैं जिनको इतना टाइम नहीं होता, तो वो सिंपली अपने ऊपर थोड़ा सा इस पानी का छिड़काव कर लेती हैं। बाय द वे काफ़ी लोग वहाँ पे अभी भी, मुझे देखा है मैंने वहाँ पे कि अभी भी काफ़ी लोग वहाँ पे नहाते हैं। तो ये था छोटा सा व्लॉग बंगला साहिब का। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ।